तो फाइनली हो चुकी है अनलोडिंग अपनी स्टार्ट। टर्न राइट देन टर्न लेफ्ट। ओके 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 गूगल बाबा। तो अगर जब दो ड्राइवर होते हैं तो फिर कुछ ज्यादा ही मतलब नींद पड़ती है, जब सिंगल होता है पता है भाई कि खुद ही चला लगा, फिर भी नींद भाग गई, आंखों से मुंह वगैरह धोया, फ्रेश हो गया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल दिबू खान। होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग देखा था, पहुंचाया था दिल्ली, तो मैंने सोचा सोऊंगा। वीडियो एडिटिंग अभी कर रहा था, लास्ट वाला जो व्लॉग था उसी का। तो अभी मंडी में ही हूँ, तो रात के 1:30 बज रहे हैं, तो अभी आए कि गाड़ी खाली करनी है, तो वो करते हैं, लगाते हैं गाड़ी लेके जल्दी जल्दी वहाँ पे देखते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कर दे चैनल सब्सक्राइब, इंस्टा फेसबुक पेज पे भी कर दे फॉलो, और आपका भी ज्यादा समय ना लेते हुए। तो मंडी की कुछ इस तरह की कंडीशन है इस टाइम भाई, इधर दिन रात सेम है। दिल्ली मंडी, क्या किसी भी मंडी में इतनी भीड़ नहीं रहती है जितनी दिल्ली आजादपुर मंडी में भीड़ रहती है। तो अभी ये वाला भाई गाड़ी निकालेगा तो मैं लगा दूंगा इधर SDF पे, एंड शॉप नंबर क्या है कुछ 31 कुछ ऐसा करके, तो गाड़ी लगाएंगे। बाकी बंदा नींद से ख़त्म हो रहा है, नींद की कुछ एक आधा घंटा नींद इसने की, बट मैंने कुछ भी नहीं की। तो लगाते हैं गाड़ी, और टेम्परेचर अपना भी सेट है भाई बराबर, देख लो। बस भाई ये वाली गाड़ी है ना, देखो एक तो थका टूटा बंदा पहुँचता है, फिर आके रस्सा तरपाल खोलना, रिस्पेक्ट भाई, रिस्पेक्ट करो ड्राइवरों की। एंड अपने वाली गाड़ी में बस इतना आराम है भाई कि गाड़ी लगाओ डोर खोलो तो बस, इसमें पूरा रस्सा तरपाल खोलो, फिर कपड़े वगैरह गंदे, चलो अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अपने मुकद्दर में ऐसा ही है। बाकी सेम है गाड़ी, ये भी चलानी है वो भी, बस इतनी एक सेफ्टी है इसमें कि बंदा इस काम से बच जाता है। अभी रात के 1:30 से 2 बजने वाले हैं, खोलता नहीं भाई डोर, नहीं इसके साथ मत कर बंद, निकाल बिल्कुल, चल खोल, नीचे मार पहले, इधर नीचे मार के ऐसे नीचे ऐसे छोड़, चल खोल साथ में, खोल वो भी पहले, दे दिया है बंदे को रात को। हाँ देख माल क्या फ्रेश है, चल हीटर ये बंद कर दे, एसी बंद कर दे, हाँ गर्म है, अरे क्या कर, एसी बंद कर। तो फाइनली हो चुकी है अनलोडिंग अपनी स्टार्ट, तो देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। अगर ये जल्दी से कर दें 6 बजे से पहले तो मैं यहाँ से फिर चला जाऊँगा गाजीपुर मीट मार्केट। तो जल्दी से अगर हो जाए तो फिर मैं निकल ही जाऊँ, नींद भी तो पूरी ठीक ठाक हो रखी है, हेल्प करूँगा थोड़ी भाई के साथ, अकेला है ना ये भी, क्या ही कर सकते हैं भाई। लम सो गाइस बज रहे हैं 3, तो गाड़ी हो चुकी है खाली, पहुंच वगैरह ले ली, तो अब यहाँ से मैं निकलता हूँ गाजीपुर के लिए। रास्ता तो मुझे पता नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यहाँ से, अब पता नहीं, चलो मैप वगैरह देखते हैं या गाइड देखते हैं, तो यहाँ से निकलते हैं भाई गाजीपुर के लिए। बाकी तो निकल गए यहाँ से, मैप लगा दिया मैंने, अब देखता हूँ मैप पर क्या रहता है। बाकी बहुत सारी गाड़ियाँ भाई, ये तो किस्मत की बात है, मेरी गाड़ी आते ही खाली होगी, वरना इधर खाली नहीं होनी थी, देख रहे हो पूरी मंडी भरी हुई है गाड़ियों से। टर्न राइट देन टर्न लेफ्ट। ओके 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 गूगल बाबा। भाई पूरी कितने दिन की नींद है, 1-2 दिन की नींद है, बट क्या करे भाई, मजबूरियां तो सपने सोड़ नहीं लेंदे। देखो भाई दिल्ली के रोड्स, फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर, कोई समझ नहीं आ रही है। फिलहाल मैंने भी मैप लगा रखा है, सो देखते हैं पहुंच जाएंगे, लक आजमा लेते हैं एक बार फिर से, वैसे मैप पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना है। पूरी सिटी घूमनी पड़ी आज, घूम घूम के, तो अभी चढ़े एक और रोड पे, क्योंकि इधर गाइड के बगैर काम नहीं चलता है भाई, नया बंदा हो या पुराना हो, हाँ जो पहले से चलते हैं उनकी अलग बात है, क्योंकि इतनी रोड है ना भाई, इतने फ्लाई ओवर से समझ ही नहीं आती है ऐसा, मतलब मेन सिटी ऊपर से ये होता है कि बाय चांस
6 बजे के बाद नो एंट्री लग सकती है। एंड ऐसी भी कुछ जगह हैं जिनमें रात में भी नो एंट्री होती है, तो एक टर्न भी अगर गलत ले ली तो फंस जाओगे। ऊपर से नींद कितनी आ रखी है पूछो मत। बस अब मंडी पहुंच जाएं उधर चिकन वाली मंडी में, गाड़ी लगा के सो जाते हैं, खुद करेंगे लोड। In 1 kilometer, keep right onto Gurjar Samrat Mihir Bhojmarg. Okay, Google बाबा। तो बज चुके हैं 5, फाइनली गाजीपुर फिश मार्केट पहुंच गए। इतनी ज्यादा बाहर क्या बोले, क्या है भाई बदबू। अरे भाई मुझे नाम भी भूल गया था, तो भाई साहब ने अब क्या शुरू कर दी स्प्रे। ये स्पेशल भारत बेंज की तरफ से आती है गाड़ी में, इतनी अच्छे वाली स्प्रे है, मतलब बहुत मस्त वाली इसकी, वाओ खुशबू। एंड अब सो जाएंगे, एसी थोड़ा मैंने चला दिया क्योंकि थोड़ी गाड़ी ठंडी हो जाए, तो उसके बाद देखते हैं लोड कब होगा। तो फिलहाल मैं सोता हूँ क्योंकि मुझे पूरे 2-3 दिन की नींद ऐसे ही पड़ी है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो बज रहे हैं सुबह के 9, तो उठ गए हम भी। फिलहाल मार्केट भी कुछ इस तरह की लगी हुई है, सब चिकन एंड फिश ही मिलेगी यहाँ पे। तो गाड़ी फिलहाल वो उधर करी हुई है पार्क, तो जाते हैं थोड़े बाहर। चल भाई लाकी गाड़ी, रश देख रहे हो आप, क्या ताकत है भाई इधर दिन में गाड़ी निकालने की। दिन क्या, नाइट में भी सेम एक ही सिचुएशन रहती है, तो कैसे घुसे वो मुझे पता है भाई। रात में बहुत ही मतलब ट्रैफिक सेम सिचुएशन, नाइट एंड डे पूरा इधर सेम रहता है। सो बैठे ही थे गाइस, गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है ना कि मन कर रहा है एसी चलाया है ना तनु भाई, आज ही इतनी गर्मी है पता नहीं जून जुलाई में क्या रहेगा। फिर से अब थोड़ा मन कर रहा है कि नींद भी करें भाई, देख रहे हो हालत नींद से। लोडिंग का तो कोई पता नहीं अभी होगी शाम को, अभी तो नहीं होगी रात ही में होगी यार लोडिंग, क्योंकि अभी रश बहुत ज्यादा है, थोड़ा घूम घूम के माल भरना पड़ता है माइन से। 6 बज रहे हैं, तो अभी तक मैं सो गया था, तो अभी दूसरी गाड़ी ये बता रहे हमें लोडिंग होने वाली है, तो हम भी चाय वगैरह शाम के लिए बनाते हैं नमकीन चाय। तो छोटू को भेजा मैंने, बोला प्याज यार नहीं थे गाड़ी में, तो जाके प्याज ले आओ, उसके बाद कबाब लाएं, तो आज यही बनाएंगे रात के लिए, आज बनेगा अपना चिकन सीख। तो बाहर तो इधर मार्केट बहुत दूर है, तो देखते हैं फिलहाल क्या रहता है। तो शाम तो हो चुकी है, अब चल गया अपना सब्जी बनाने का काम, तो बनेंगे ये आज कबाब एंड प्याज, पहले इनको फ्राई करेंगे उसके बाद निकाल के फिर प्याज वगैरह फ्राई वगैरह करके उसमें डाल के। चावल तो बना दिए भाई ने, तो बाकी मच्छर बहुत ज़्यादा थे अभी लेके आए, गुड नाइट क्या ही बताएं मच्छर कितने। तो बनाते हैं सब्ज़ी फिर देखते हैं, लोडिंग पे भी लगाएंगे गाड़ी, लगा भाई। बस भाई अब मुझे टेंशन नहीं है, अब बंदा बनाने लायक हो गया, इसको आराम आराम से ठीक है, ये टूट जाएंगे थोड़ा होने तो पहले फ्राई, अब बंदा सीख गया, अब टेंशन मेरी ख़त्म। तनवीर भाई तेरे को मैं होटल में भेजूंगा, गाड़ी के काबिल नहीं है। तो हो चुका है खाने का काम शुरू, क्योंकि खाना खा लेंगे मैं भी, बाद में लोड हो जाए तो फिर अगर खाना उसी टाइम खाएंगे फिर नींद पड़ जाती है, फिलहाल मैं सो जाऊंगा खा के। बस भाई बिस्मिल्लाह, तो फाइनली बज रहे हैं 10, तो लगाते हैं अब गाड़ी अपनी लोडिंग के लिए। तो पहले लगाते हैं भाई लोडिंग के लिए गाड़ी, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। तो लगा दी गाड़ी, देख लो भाई साहब पीछे खोल रहे हैं डोर्स, तो उसके बाद करते हैं लोडिंग। तो हो चुकी है अपनी लोडिंग कंटिन्यू, बस थोड़ा ही टाइम है। हाँ भाई कितने टाइम में हो जाएगी लोडिंग? टाइम बहुत लगेगा फिर भी, 1-2 घंटे। तो 12 बज रहे हैं, बस थोड़े समय में हो जाएगी लोडिंग। तो भाई तनवीर भाई ना नींद आ रही है आज गाड़ी चलानी है आपने, बहुत नींद आ रही है सच में भी भाई। दिखाता हूँ ना कंडीशन अपनी मैं इस टाइम की, देख लो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रखी है। तो अभी निकलना है, कानवाई भी करनी है भाई, भयानक वाली नींद आएगी, तो कर दे वो वाली भी बंद, पूरा जोर लगा, ज़रा ये बंद करना, इस बंदे में जोर नहीं है, अभी नींद पड़ गई है ना, अब MC स्टैंड ही कुछ करेंगे।
हाथ हटा अरे क्या करते हो बाबू। अरे यार क्या करे, अंदर को नहीं जा रही है। अंदर आपको इतनी लाइट में अंदर को नहीं जा रही है यार, क्या कर रहे हो यार। जो चलाते रहते हो कैसे लगी वीडियो बना रही हो भाई। लगा भाई हो चुकी है सील। हां जरा नंबर कॉपी तो ना भाई। तो हो चुकी है लोडिंग अपनी कंप्लीट। तो अब हमें टेम्परेचर करना है सेट, अब रखना है -25। तो निकलते हैं फिर, कार्रवाई भी कल है भाई, आज पूरी नाइट, कल दिन, फिर कल रात, चलो देखते हैं क्या होगा। तो करते हैं अपना सफ़र यहाँ से कंटिन्यू। अब तो निकल आया उधर से, शमीम भाई को कॉल कर। In 1 kilometer, keep right towards Saraikale Khana Nakshardham. अब मैं भी लगाना पड़ा, देखते हैं क्या होगा। तो फिलहाल मैं एक्सप्रेस तक पहुँचता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। तो चढ़ चुके हैं हम अपनी रोड पे, अब साथ में एक और भाई भी मिल गए, तब जाएंगे इनके पीछे पीछे। बस अपना किसी मतलब अपना किसी जगह बाहर मिलता है ना तो अलग ही फील आती है। बट उस गाड़ी में परचून है, वो दबा के चल रहा है। मेरी गाड़ी में तो बराबर 10 टन माल है, उसमें तो यही अराउंड 2-4 टन माल होगा या 5 टन भाई। फुली स्पीड से आज जाना पड़ रहा है, मतलब मैं हर एक को मना करता हूँ बट आज खुद चल रहा हूँ। और तनवीर भाई भी सो गए, बस अकेला जाग रहा हूँ। तो अभी अपना पानीपत है 49 किलोमीटर, यहाँ से सोनीपत पहुँचने ही वाले हैं, 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। तो NH 44 पे चल रहा हूँ, बाकी नींद कुछ पूरी नहीं हुई थी, फिर भी शुक्र अल्लाह का दिन में 1-2 घंटे में सो गया था, नहीं तो इस टाइम ना बुरा हो जाना था। वैसे तो अगर जब दो ड्राइवर होते हैं तो फिर कुछ ज़्यादा ही मतलब नींद पड़ती है, जब सिंगल होता है पता है भाई कि खुद ही चलानी है, तो अल्लाह ताला खुद ही हिम्मत दे देते हैं। चलो अब क्या करें, आप काम है अपना भाई। सो पहुंचा है अमरथल, तो बज रहे रात के 2:30। तो तनवीर भाई सोया है, मैंने सोचा पानी की एक बोतल ले लें, कौन उसे बार बार उठाएगा कि भाई पानी पिला दे। तो करता हूँ फिर सफ़र आगे के लिए कंटिन्यू। पहुंचाया करनाल बट ये कौन सा रूल है टोल प्लाजा पे, 10 सेकंड से ऊपर बिल्कुल अलाउड नहीं है रुकना। इधर तो मुझे तो पूरे 20 मिनट हो गए इधर ही खड़ा हूँ, देख रहे हो जाम इतना ज़्यादा, मतलब टोल प्लाजा पे 10 सेकंड से ऊपर रुकना बिल्कुल मना है। क्या ही बता सकते हैं भाई, इंडिया में कोई कानून जेन्युइन नहीं है भाई। करनाल पार करते ही पहुँचा गाड़ी में, 100 लीटर डीजल डला देते हैं, 89.53 है इधर रेट। तो तनवीर भी अभी उठे, टायर वगैरह चेक करेंगे, तो डीजल डाल के फिर करते हैं कंटिन्यू अपना सफ़र। 4:30 बज रहे हैं अभी, डीजल डाल दिया गाइस, बाकी नींद से ना पूरी कंडीशन होगी। अभी फेज 2 के आया, कर दिया सफ़र एक बार फिर से कंटिन्यू। और तनवीर भाई नींद मारी है आपने कुछ? हाँ अच्छी मस्त मस्त, चल मार ले अभी तेरे नींद के दिन है। और मज़ा आ रहा है कुछ कि नहीं? अच्छा ही है सर। तो चलो कंटिन्यू कर दिया सफ़र एक बार फिर से, तो शुक्र अल्लाह का फिर भी नींद भाग गई आंखों से, मुंह वगैरह धोया, फ्रेश हो गया, गुड मॉर्निंग पंजाब को होगी। तो पंजाब इंटर कर लिया, रोशनी भी होगी, देख लो सूरज मामा भी आ गए सुबह ही सुबह। तो सब्ज़ी वाली गाड़ियों के साथ साथ ही चल रहा हूँ मैं भी, क्योंकि इनकी कंटिन्यू 60 रहती है और मैंने भी इनके साथ ही रख ली। तो तनुवीर जी मस्त सोए आराम से। तो अभी लुधियाना है यहाँ से 107 किलोमीटर एंड जलंधर 167। पहुंचाए सरंद के करीब, तो अब यहाँ से लेफ्ट लेंगे भाई सरंद के लिए। अब पता नहीं और नीचे कितना बड़ा खड्डा हो सकता है, चलो उतारते हैं अब क्या करें। बिस्मिल्लाह, तो सर
करांदी मैं शमीम भाई वगैरह सभी तकरीबन तीन गाड़ियां हैं लगभग उधर, तो देखते हैं ये भी काम करा लें या कार्रवाई करनी है, कोई अभी कंफर्म नहीं है। नाजम अली के मुश्ताक अली उधर ही जाना है, तो पहुंचते हैं एक बार वहीं, मिलते हैं वहीं पे आपको। तो पहुंचा है भाई, अब लगाते हैं गाड़ी इधर पार्क, देखते हैं अपनी दूसरी गाड़ियां कहाँ है, नजर तो नहीं आ रही अभी। आई नजर भाई, वो खड़ी है, बिस्मिल्लाह, पता नहीं नीचे क्या कंडीशन है। अरे बाप रे, गाड़ी दस गई थी सुबह ही सुबह। सुबह के 7:30 तो पहुंचा है मैं सारंद, जहाँ पे गाड़ियों का काम करते हैं, एंड अपनी भी दो गाड़ियां उधर लगी हैं। जरा दिखाएं भाई गाड़ियां, दो वो जो कंटेनर लगे हुए हैं ये अपने ही हैं दोनों, एक शमीम भाई है, एक और दूसरी गाड़ी पता नहीं उसको कौन आज चलाता है, मुझे उस बारे में अभी कोई कन्फर्म नहीं है। तो मैं भी फिलहाल, उन्होंने बोला था कि आके इधर रुक जाना, नहीं तो मैं सीधा निकल जाता। अगर बन गया प्रोग्राम तो इस गाड़ी में भी सीटस पे बनाएंगे और जंगला वगैरह दिल्ली वाला जो ग्रिल रहता है वो, तो अगर नहीं बना तो मैं निकल जाऊंगा क्योंकि शाम की कार्रवाई भी है, तो देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल तो मैं 1-1.5 घंटा नींद का करता हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक पेज को भी कर दे फॉलो। मिलते हैं एक और अनदर व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।